दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन पे से गलत ट्रांजेक्शन हो गया है तो आप वो पैसा अपने फ़ोन पे में वापस कैसे ला सकते हो। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि हमें किसी और के पास पैसा भेजना रहता है फ़ोन पे से, लेकिन कुछ गलती की वजह से किसी दूसरे के पास पैसा चल जाता है, तो वो पैसा आप कैसे रिफंड ले सकते हो, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में फोन पे ऐप को ओपन कर लेना होगा। फोन पे ऐप जैसे ही ओपन करोगे तो यहां पर ये जो है आपको हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिख जाएगा ये कॉर्नर में, ठीक है। तो इस कॉर्नर पर आपको यहां पर हिस्ट्री में आ जाना है। हिस्ट्री में आने के बाद अब जो भी आपका जो है वो ट्रांजेक्शन गलत हुआ है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, उस ट्रांजेक्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अब जैसे कि मानकर चलते हैं कि ये मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो गलत हो गया है, किसी और के पास भेजना था और ये इसके पास चल गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना होगा। ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब बस यहाँ पर इसे हम कट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। लाइक जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको npci, ठीक है, npci.org.in। आपको ये चीज़ लिख लेना होगा, देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, आपको सेम यही चीज़ लिखना होगा और उसके बाद इसे आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये NPCI का जो है वो पोर्टल है, आपके सामने कुछ इस तरह से जो वो खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके अंदर एक जो वो मिल जाता है 3 लाइन, यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर में आप देख रहे हो ना, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिख जाता है, देखिए गेट इन टच का, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, गेट इन टच। मैं आपको थोड़ा जूम कर दिखा देता हूँ, ये देखिए गेट इन टच, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, UPI कंप्लेन, ठीक है, क्योंकि आपको कंप्लेन करना है आपका जो ट्रांजेक्शन है वो गलत हो गया है। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, UPI कंप्लेन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कंप्लेन वाला सारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर ये कंप्लेन करना चाहते हो, अकाउंट रजिस्ट्रेशन, SMS लॉगिन, जो भी आप कंप्लेन करना चाहते हो वो इसके अंदर आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ट्रांजेक्शन गलत हुआ है तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन देख रहे हो ना, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां पर आपको फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपका जितना भी ट्रांजेक्शन हो गया है गलती से दूसरे के पास, वो सारा पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको जो है वो मिल जाता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये देखिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर 2 ऑप्शन मिलता है, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको जो भी सेट करना है, पर्सन टू पर्सन अगर आपको करना है तो पर्सन टू पर्सन कर लो, अगर पर्सन टू मर्चेंट करना है तो आप यहां पर वो कर लो। जैसे कि क्या होता है, इन दोनों का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को किए हो ट्रांजेक्शन जो कि मान लो कि उसका जो है वो हमारे जैसा जो है वो फोन पे रहता है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी बिजनेसमैन को कर दिए हो यानी कि बिजनेस अकाउंट में कर दिए हो तो आपको यहां पर ये सेट करना है, ठीक है। बिजनेस अकाउंट वाला आपको ये सेट करना है पर्सन टू मर्चेंट, और पर्सन टू पर्सन आपको तब सेट करना है जब आप किसी आम आदमी जैसे कि हमारा आपका जो है वो अकाउंट रहता है उस टाइप के जो है वो अकाउंट में अगर चला गया है तो आपको ये सेट करना है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो मैं यहां पर पर्सन टू पर्सन करूंगा क्योंकि मेरा किसी बंदे के पास चल गया है, ठीक है, कोई बिजनेस अकाउंट में नहीं गया है। अब उसके बाद यहां पर सेलेक्ट इशू टाइप यहां पर बोल रहा है, तो यहां पर क्या करना है, आपको सेलेक्ट इशू टाइप पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहां पर ये एक आपको ऑप्शन मिल जाता है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, ये देखिए आपको यहां पर ये मिलता है। तो आपको क्या करना है, ये वाला टिक करना होगा, ठीक है, इसे आपको टिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कमेंट्स का, ठीक है, तो इसमें आपका क्या गलती हुआ है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। 500 वर्ड में आपको लिखने का ऑप्शन मिलता है कि आप 500 वर्ड में आप जो वो लिख सकते हो, लेकिन आपको जो भी यहाँ पर लिखना है आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकरेक्टली ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया।
अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी पूछ रहा है, ठीक है। जब आप पैसा किसी को भेजते हो तो वहां पर एक ट्रांजेक्शन आईडी होता है, वो ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर आपको डालना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर क्या करो, सिंपल अपने फोन में फोन पे ऐप को ओपन कर लो, ठीक है। और जो भी गलत ट्रांजेक्शन हुआ है यहाँ पर उसका जो है वो ट्रांजेक्शन आईडी रहता है। ये देखिए, ये जो है वो ट्रांजेक्शन आईडी है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो कॉपी का बटन है आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर और इस ट्रांजेक्शन आईडी को कॉपी कर लेना होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर अपना उसी में आ जाना है और यहाँ पर आपको जो है उस ट्रांजेक्शन आईडी को जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। जो भी आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट बैंक नेम। यहाँ पर आपको अपना बैंक नेम जो वो सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है और किस अकाउंट से जो वो पैसा जो वो गलती से गया है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना जो है वो बैंक अकाउंट जो वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी है आपको यहाँ पर सारा मिल जाएगा, बंधन बैंक मिल जाएगा, बैंक ऑफ अमेरिका NA, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी है आपका यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है UPI ID, ठीक है। तो आपको यहाँ पर UPI ID अपना डालना होगा ताकि आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाए, ठीक है। UPI ID पर ही आपका पैसा आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर UPI ID पता नहीं है तो यहाँ पर देखिए रहता है कहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर होम पे आ जाना है, होम पे आने के बाद यहाँ पर आपका देखिए ये UPI ID है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ये आपका जो UPI ID है इसे आपको कॉपी कर लेना होगा, यहाँ से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद बस यहाँ पर आकर हम इस UPI ID को पेस्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अमाउंट। अमाउंट जो भी आपका गलत ट्रांजेक्शन हुआ है, जितना भी पैसा चल गया है गलती से, वो पैसा यहाँ पर डालना है कि कितना पैसा चल गया है। तो मेरा यहाँ पर जो है वो 300 गया है तो मैं यहाँ पर 300 डालूंगा। अगर आपका 10,000 गया है तो 10,000 डालो, 50,000 गया है तो 50,000 डालो, 100 रुपया गया है तो 100 रुपया डालो। तो यहाँ पर मैं अपना जो है अमाउंट डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। आपका जिस डेट को जो है वो गलत ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट डालना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस तारीख को हुआ है वो तारीख आपको यहाँ पर डाल देना होगा। चलिए यहाँ पर मैं जो है वो तारीख वगैरह सब अपना जो है वो डाल देता हूँ, यहाँ पर 18 जो है वो डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ईमेल आईडी मांग रहा है। आपका जो भी पर्सनल ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं अपना ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ, ये मेरा ईमेल आईडी आ गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपका फोन पे में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट अपना जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो डाल देता हूँ, जो भी मेरा नंबर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर ये यह देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन आपको मिल रहा है चूज फाइल। जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन गलत हो गया उसका डिटेल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको काम आएगा, यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा और फाइल्स में आ जाना होगा और जो भी आपका स्क्रीनशॉट है यहाँ पर आप इसे ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपका ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या ऑप्शन आ रहा है, सबमिट, ठीक है। तो अब जैसे ही इस पर आप क्लिक कर दोगे ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा। लेकिन सबमिट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 घंटे के अंदर में, अगर मान लीजिए कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है 4 घंटे के अंदर में आपको कंप्लेन करना होगा, तब जाकर आपका पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपका 4 घंटे के बाद अगर हो गया, मान लीजिए अभी ट्रांजेक्शन किया और 4 घंटा पार हो गया, 5 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, तो वैसे में आपको नहीं मिलेगा। 4 घंटे के अंदर में आपको ये कंप्लेन करना होगा, तब आपका सबमिट हो जाएगा और पैसा 101% फुल गारंटी के साथ आपका आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप जब वो कर अपना जो गलत ट्रांजेक्शन हुआ है उसको आप रिफंड ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी सबमिट नहीं करूँगा, अभी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से सबमिट आप जो है वो कर सकते हो। बाकी कैसा लगा ये ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद।